मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे जोश में आ चुके होंगे। यस। और अजय जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर तुषार जी एंड इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू सर एंड मैम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट मेरी शुरुआत मैचेस के बाद आप ही के टीम से हुई है तो बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जी मैंने ये पूरा जो आप लोगों ने ये मार्च किया बच्चों ने इस कॉज के लिए बहुत अच्छा लगा था देखते हुए। बाकी सब तो सब कुछ कह ही चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग काफ़ी हैं। अब जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे इस फंक्शन के बाद जैसे जैसे आप अपने दोस्तों को बताएंगे आप क्या करके आ रहे हैं मुझे लगता है कि ये कॉज और आगे और जोरों से बढ़ेगी। आई थिंक यू जस्ट नीड टू स्प्रेड इट आई थिंक यू योर बिग स्ट्रेंथ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। कॉज के लिए मेरा समर्थन हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। आई ऑलवेज फील कि बच्चे हमें ज्यादा सिखाते हैं ना कि हम बच्चों को सिखाते हैं और ये चीज आज साबित हुई इतने सारे बच्चों को देखकर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज टू सेव द एनवायरनमेंट। वाकई हम एक ऐसी दुनिया छोड़ जा रहे हैं बच्चों के लिए जो कुदरत हमें कभी माफ नहीं कर सकेगी। ये जागरूकता जो बच्चों के अंदर आज है वो इस बात की गवाह है कि हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, एक बदलाव लाए जहाँ पर हम जैसे अशोक जी ने कहा वृक्ष नदी पहाड़ सबको बचाने की जरूरत है। The environment today is dying and all you children are aware of the glacier melting. All of you are aware of the trees being cut, the mountains being broken. And I hope सारे बच्चे सिर्फ स्कूल की छुट्टी मनाने के हिसाब से यहाँ पर नहीं आए बल्कि वाकई environment के लिए आए हैं। So I'm sure you're going to take back to your parents, to your brothers, sisters, to your friends, everyone around you to save the trees. Because we as children, जब हम बच्चे थे, तब हम पेड़ों पे चढ़ते थे, उसकी छाया में बैठके आराम करते थे, पिकनिक मनाते थे, नदी में जाके नहाते थे। अब ये सब चीज अगर हम नहीं बचाए तो आप लोग इसका मजा नहीं उठा पाएंगे, राइट? यू ऑल नीड टू लव योर एनवायरनमेंट, टू लव द ट्रीज, टू लव द रिवर्स, टू लव द माउंटेन्स। वेयर कैन यू गो ऑन अ हॉलिडे इफ यू डोंट हैव द माउंटेन्स? यू कांट गो फॉर अ वेकेशन, राइट? यू कांट गो टू द बीच टू एंजॉय। यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इन द गार्डन्स, इन द फॉरेस्ट, ईट गुड फ्रूट्स, सी सो मेनी एनिमल्स। So it's so important to save the nature. And I'm sure all you children are going to do that. Y'all are going to be the face of saving the nature, the face of saving the environment. Ajay ji, thank you so much. Aapne bachon ko itna prosarit kiya hai ki ye aage jaakar at least jahan inki pahunch hai wahan sab logo ko yahi batayenge ki environment ko bachana chahiye. So three cheers to all of you. A big round of applause for all the children over here. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rajesh. Thank you. And we have. दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव शुड बी टेकन अप इन एवरी स्कूल। आई मस्ट से दो कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। दे ऑल नो एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड
people like Ajay sir who do these kind of social activities and social encouragement, it's very important that other people also follow suit. And ma'am, kal jis tarah se barish hui Mumbai mein, aap kya kehna chahenge, itna water logging hua pure Mumbai mein kam samay mein. पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, ये नेचर जो बना है, ये इंसान जो भगवान की सबसे उच्च या समझे वो सबसे प्यारी क्रिएशन के लिए बना है नेचर, ताकि वो इंसान को सस्टेन करे. तो आप देखिए, कल इतनी बारिश हुई और आज ये वृक्षारोपण के लिए जो फंक्शन है उसमें बिल्कुल बारिश नहीं है. तो आप सोचिए कि नेचर भी हमारे साथ कैसे, अगर हम अच्छा काम करें तो कैसे हमारे साथ रहता है. रहा सवाल मुंबई की हालत का, ये बहुत शर्म की बात है. मैं पिछले 32 साल से मुंबई में हूँ और 32 साल से मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि वी आर प्रिपेयर्ड, रेन्स आएंगे तो हम ठीक ठाक उसको हैंडल कर पाएंगे. हर साल यही होता है. आई थिंक इट्स, वी हैव टू रियली लुक एट दिस डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग एवरी टाइम. ब्रिमस्टोवाड का काम जो ख़त्म नहीं होता है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का काम ख़त्म नहीं होता है, डिसिल्टिंग ख़त्म नहीं होता है टाइम पे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ही इतने लेट देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ख़त्म नहीं कर पाते. सो ये सब फर्जीवाड़ा जो है ये ख़त्म करना चाहिए. वी शुड नाउ टेक सीरियस एक्शन. आई थिंक पीपल शुड एक्चुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिकॉज वी पे आर टैक्सेस. हम लोग, मुंबई ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स मुंबई से जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस तरह के कंडीशन मिलते हैं. आज देखिए, एक आम इंसान को ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है. मैं भी आम इंसान हूँ, मैं भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी ट्रेन से ही जाती हूँ, लेकिन आज वो पैरालाइज हो गए, लेकिन उनको ऑफिस तो पहुँचना ही है किसी तरह से. सो हाउ डू दिस, हाउ डज द गवर्नमेंट और हाउ डज द सिस्टम एक्सपेक्ट द नॉर्मल पर्सन टू यू नो फंक्शन देयर लाइफ इफ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. ओके मैम, एक्टर से एडवोकेट कितना मुश्किल है, क्या मतलब क्या चेंज हुई है लाइफ, अभी थोड़ा कुछ वो बताएगा. लेकिन ऐसा है कि अब हमारे उम्र के लिए रोल्स कम लिखे जाते हैं. तो मैं पिछले 32 ईयर से सोशल वर्क कर रही हूँ और सोशल वर्क के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि भाई आई नीड सम मोर पावर, तो मैं पॉलिटिक्स में चली गई, जो बहुत बड़ी गलती थी मेरी. अब पॉलिटिक्स से अब निकल गई हूँ, 5 साल हो गए, और उसी 5 साल में मैंने लॉ की डिग्री हासिल की और इसीलिए किया ताकि मैं सोशल वर्क आगे बढ़ाऊँ. अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स में, बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर बाय पैशन and my bread and butter is acting, but now I am trying to shift focus towards advocacy and dekho kya hota hai. Lamba safar hai, lekin lambe safar se hum kabhi dare nahi. Thank you so much. Zaira Basri ne jis tarah se Bollywood ko paint kiya, unhone kaha ki main Islam ke mujhe bhagwan nahi mil raha tha, unhone kaha peace nahi mil raha. Aap kitna mante hain ki Bollywood mein aapko lagta hai itna intolerance hai ki unhe. नहीं नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक का अपना एक पर्सनल जर्नी होता है और हर एक की अपनी एक पर्सनल डिसीजन होती है. लेकिन आप ये सोचिए कि ज़ायरा वसीम को इस तरह का अगर निर्णय लेना पड़ा, पहली बात तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं कोसूंगी, बिकॉज फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत अच्छे मुसलमान हैं जो अपने भगवान से, अपने ईमान से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं और अपना काम भी कर रहे हैं. धर्म को हमको अपने काम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है. अगर आपको पर्सनली कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो अलग बात है. अब रहा सवाल ज़ायरा वसीम का, ये पर्सनल जर्नी है, दैट इज़ हर चॉइस. बट आई वुड लाइक टू से हियर कि आप लोग देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है हमारे सोशल फैब्रिक को. मुझे 100% लगता है कि ज़ायरा वसीम को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको इंडॉक्ट्रिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो यूथ है, क्योंकि वो कश्मीर में रहती है. तो आप ये सोचिए कि क्यों हो रहा है सर. यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं. आपने देखा परसों हौस काजी दिल्ली में जो हुआ. जब तक हम एक कम्युनिटी को दरकिनार करते रहेंगे या उनको हम मॉब लिंचिंग के तहत या उनको हम डराते रहेंगे, तो वो कम्युनिटी कभी ना कभी उठ के उभर के आगे आएगी, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी अपने डिफेंस में आएगी. तो आप ये सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं. जब तक हम ये अदराइजेशन, ये मॉब लिंचिंग, ये देश के नाम, धर्म के नाम पे देश को बांटना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम आपके अपने रिलीजन को सड़कों पे लाना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी. एंड दिस इज़ वेरी सैड.